दरअसल आगरा में एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां ऑनलाइन बाजार के कारण दवा व्यापारी बंदी के कगार पर हैं। ऑनलाइन मार्केट के कारण 3000 दवा व्यापारियों पर छा रहा है बेरोजगारी का संकट। दरअसल ग्राहक के इंतजार में खुली दुकानों पर बैठे सोच में नजर आ रहे हैं व्यापारी। आगरा केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शर्मा के नेतृत्व में एक बैठक हुई है। वहीं उपाध्यक्ष अमित गुप्ता ने सरकार से ऑनलाइन मार्केटिंग पर अंकुश लगाने की मांग उठाई है। वहीं निजी चिकित्सकों के मोनोपोली के कारण भी दवा व्यापारी परेशान है। मंदी की मार से बचने के लिए व्यापारियों ने मंत्रणा की है और सरकार से ऑनलाइन दवा खरीदने पर अंकुश लगाने की बात कही है। जैसा कि आपने पूछा कि दवाई पे इस समय क्या मार पड़ी है, तो दवा व्यापार तो इस समय अंतिम सांस ले रहा है। जब से बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन में आ गई हैं, जब से हमारा व्यापार तो आधे से भी कम हो गया है। आज व्यापार को अगर देखा जाए तो ऑनलाइन का डाटा आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है, हमारा व्यापारी हर तरीके से घटता जा रहा है। जो थोड़ी बहुत सेल आती है दवाई की, वो डॉक्टर्स जो हैं वो मोनोपोली दवाई लिखते हैं, और वो दवाई या तो आगरा के एक स्टॉकिस्ट के पास व्यापारी के पास मिलेगी, या डॉक्टर के बाजू वाली एक रिटेल की केमिस्ट मिलेगी। कंपनियों ने भी यही कर रखा है, डायरेक्ट कंपनी सप्लाई, जो हमारा एक मार्जिन हुआ करता था कि कंपनी पहले स्टॉकिस्ट को देती थी, उसके बाद हॉस्पिटल में देती थी। अब कंपनियों ने भी अपनी मनमानी कर रखी है, वो डायरेक्ट सप्लाई कर रही है हॉस्पिटल के नाम से। तो बीच का आदमी जो है हमारा व्यापारी है, वो तो इस समय खाली बैठा हुआ है ऑनलाइन ने। देखिए, दवा व्यापार से हमारे व्यापारियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सब बंदी की कगार पे हैं, 3000 दुकानदार बहुत बुरी स्थिति में है। ये ऑनलाइन जो दवा व्यापार चल रहा है, इसकी वजह से सब लोग भुखमरी की कगार पे हैं। अगर जल्दी इस नीति पर कंट्रोल नहीं करा गया तो स्थिति बहुत ख़राब होगी। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि इस पर अंकुश लगाया जाए और हमारे हित में निकाला जाए।